हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि IVF प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से, यानी कि जब हम नेचुरली प्रेगनेंट होते हैं, उससे कैसे अलग है, उसमें हमें IVF प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और जो है मेडिसिन कब तक चलती है, और हमें क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले IVF प्रेगनेंसी जो होती है वो नेचुरल नहीं होती है। हमें सबको पता है कि बाकी एम्ब्रियो तक का प्रोसीजर जो है लैब में होता है। तो देखिए, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि क्योंकि वो लैब में बनता है एम्ब्रियो, तो जो है वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती, या बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं ऐसी प्रेगनेंसी की, या फिर इस प्रेगनेंसी में हमेशा ही बेड रेस्ट करना पड़ता है। तो देखिए, आज हम एक एक करके ही सारे मिथ्स लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो जो है बाहर बनता है, तो क्या वो एम्ब्रियो नॉर्मल एम्ब्रियो के मुकाबले कुछ अलग होगा, या वो जो है बीमारियों के ज़्यादा प्रून हो गए, यानी कि उसको बीमारी लगने के चांसेस भविष्य में ज़्यादा हो सकते हैं जब वो बेबी IVF बेबी और नॉर्मल बेबी की तुलना में। तो देखिए, जो एम्ब्रियो होता है, मेरे हिसाब से जो एम्ब्रियो है, अगर आपका बाहर सर्वाइव कर गया है, जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल कंडीशंस हैं, नॉर्मली माँ के पेट में जो है एम्ब्रियो सर्वाइव कर सकता है, तो मेरे हिसाब से जो वो एम्ब्रियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ही होगा, तभी वो आर्टिफिशियली भी कुछ सर्कमस्टांसिस में भी बिल्कुल सही ग्रो कर रहा है। एक तो ये, बाकी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके कंपैरेटिवली IVF बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और उनकी इम्यूनिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता नॉर्मल बेबीज़ की तुलना में। तो ये मिथ है कि जो IVF के बच्चे हैं वो बीमार जल्दी पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर टू, दूसरा ये होता है कि IVF प्रेगनेंसी में हमें बेड रेस्ट ही करना पड़ता है। तो देखिए, ये भी एक मिथ है। हालांकि IVF प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि उसमें आपके जो हार्मोन्स हैं वो पूरे सपोर्टिव होते हैं, और ऊपर से हम आर्टिफिशियली देते हैं, तो अगर हमारी डोज मिस हो जाती है या कुछ भी हो सकता है उसमें, तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। उसमें 100% बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है सभी प्रेगनेंसीज़ में। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें डॉक्टर नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी बेड रेस्ट बता देते हैं, तो IVF प्रेगनेंसी में भी उसी तरह से उन्हीं कंडीशंस में बेड रेस्ट बताया जाता है, नहीं तो इसमें स्पेशली बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पर्सनल चॉइस भी होती है, क्योंकि इसमें इतना सारी चीज़ें होती हैं, तो पेशेंट खुद ही अपने आप ही बेड रेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि IVF प्रेगनेंसी में आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा मिथ ये है कि IVF प्रेगनेंसी में सी सेक्शन ही होता है। तो देखिए, सी सेक्शन जो है, अगर आपका पहले सी सेक्शन हो रखा है तो ही आपका ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि सेकंड भी आपका सी सेक्शन डॉक्टर करें, अगर आपकी सेकंड IVF प्रेगनेंसी है। जैसे कि मेरा केस था, मुझे पहले भी सी सेक्शन हुआ था और मेरी IVF प्रेगनेंसी थी, तो डॉक्टर ने कभी कोई चांस ही नहीं लिया कि नॉर्मल बर्थ होगा, उन्होंने रखा ही कि सी सेक्शन ही होना है, क्योंकि आपका जो है IVF प्रेगनेंसी है और पहले भी आपका सी सेक्शन हो रखा है, आप उन्होंने थिकनेस वगैरह कुछ नहीं देखी, तो नॉर्मली अगर आपका पहले सी सेक्शन है तो सेकंड टाइम मोस्ट प्रोबेबली आपका सी सेक्शन ही होगा। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल फर्स्ट प्रेगनेंसी है और IVF प्रेगनेंसी है, तो उसमें आपको नॉर्मल बर्थ भी हो सकता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको अगर IVF है तो आपको सी सेक्शन ही होगा, तो ज़्यादातर केसेस में सी सेक्शन होता है, लेकिन ये नॉर्मल बर्थ भी हो सकता है, इसमें पूरे चांसेस रहते हैं अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो ये भी एक मिथ हो गया। दूसरा है, दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ती हैं। तो देखिए, IVF प्रेगनेंसी में आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लगभग 4 महीने तक इंजेक्शन और दवाइयाँ लगती हैं, पहले 4 महीने जो होते हैं प्रेगनेंसी के, लगभग 12 वीक तक, तो 12 से 16 वीक तक आपको जो है दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। बाकी एक मेडिसिन है जो कि है आपके खून को पतला करने की दवाई है, वो आपकी पूरा टाइम लास्ट तक चल सकती है, जैसे कि मेरे केस में हुआ था। ज़्यादातर IVF प्रेगनेंसीज में ये दवाई जो है खून पतला करने की लास्ट तक चलती है, ताकि वहाँ पर क्लॉटिंग ना हो। अगर आपको IVF प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है तो आपको बेड रेस्ट बता दिया जाता है, किसी और प्रॉब्लम से भी आपको बेड रेस्ट बता दिया जाता है। तो आपको किसी भी प्रेगनेंसी में आपको भारी सामान नहीं उठाना है, ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है, बहुत देर तक बैठे या खड़े नहीं रहना है, तो ये सब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रिकॉशंस है वो IVF प्रेगनेंसी में प्रिकॉशंस होते हैं। बाकी रही खाने की बात, तो देखिए, पहले 3 महीने जो होते हैं IVF प्रेगनेंसी की या किसी भी प्रेगनेंसी के, अगर आपका IUI हुआ है तब भी, तो आपको पहले 3 महीने थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे। IVF है तो थोड़े से ज़्यादा देने पड़ेंगे, कि आपको थोड़ी सी गर्म तासीर की चीज़ें जो है वो कम मात्रा में लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बंद कर देनी है, हाँ आपको कम मात्रा में लेनी है। तो ये आजकल तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी है कि आपको गर्म तासीर की चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। तो एक ये आपको थोड़ा सा फर्स्ट 3 मंथ्स तक ये प्रिकॉशंस लेना होता है कि गर्म तासीर की चीज़ें जो है उनकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है। बाकी जो जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर आ जाता है तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है आपकी। इसमें गर्म चीज़ें भी मैंने खाई थी, जैसे अंजीर है, काफ़ी गर्म रहती है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैंने